तो हमने शुरू किया था स्केलेटल सिस्टम। कल हमारी डीपीटी की पहली क्लास थी, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी की, और ब्रीफ हमने समझा था। ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर पहला टॉपिक हमारा चल रहा है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले जो हमने समझा वो था डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन में हमने जाना कि यहाँ भाई स्केलेटल सिस्टम क्या है, एक फ्रेमवर्क है, यानी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट देता है। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा देना, सपोर्ट देता है, और क्या करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, किसको, सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन्स को जो हमारे बॉडी में हैं। एनाटमी की बात करें कि भाई एनाटमी क्या होती है, तो ये शेप, साइज, स्ट्रक्चर और लोकेशन के बारे में बता रहा था। फिर हमने फंक्शन जाना था, जो कि क्या करता है, बोन हमारे फंक्शन में सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, अटैचमेंट कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा था किसके, ब्लड सेल्स के कुछ, और स्टोरेज फॉर्म में थे कुछ सॉल्ट्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन में हमने समझा था कि लॉन्ग बोन क्या है, दो आपके तीन पार्ट होते हैं लॉन्ग बोन में, हेड, टेल और शाफ्ट। शाफ्ट का क्या काम होता है, मसल्स के साथ अटैचमेंट का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होती है मसल्स में, मूवमेंट होती है और हम मूव कर पाते हैं एक सर्टन डायरेक्शन में। एग्जाम्पल जो था हमारा ह्यूमरस और फ्यूमर था लॉन्ग बोन का। उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट बोन, हमने पढ़ा शॉर्ट बोन में, हमने एग्जाम्पल देखा रिस्ट और एंकल यानी कलाई का। उसमें क्या था कि मल्टीपल बोन्स यानी बहुत शॉर्ट छोटी छोटी बोन्स आपस में जॉइंट रहती हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, और वो डायरेक्शन मूव करने में हेल्प करती हैं। इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था वो रिस्ट और एंकल था यहाँ पे। ये कोई सॉफ्ट नहीं होती हैं ज़्यादातर, इसके बीच में कोई स्पंजी और शाफ्ट पोर्शन नहीं होता है सॉफ्ट वाले में। उसके बाद आ जाते हैं फ्लैट बोन। फ्लैट बोन में नाम से ही समझ में आ रहा था कि फ्लैट है बिल्कुल। फ्लैट बोन का काम क्या था कि एक तो ये स्ट्रांग होती है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्कैपुला और स्टर्नम, दो एग्जाम्पल थे इसके। स्कैपुला क्या कर रहा था, तो स्कैपुला जो है आपका सपोर्ट देता है हमारे बैक को, जो हमारी पीठ है जिसको हम बोलते हैं, हमारा बैक जो है वहाँ पे रहता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन माना जाता है इसको। तो फ्लैट बोन में हम लोग देखा हमने कि फ्लैट बोन में दो टाइप की बोन है हमारे पास, एक है स्कैपुला और एक है स्टर्नम। स्कैपुला को बोलते हैं हम लोग शोल्डर, और स्टर्नम को बोलते हैं हम लोग ब्रेस्ट बोन। स्कैपुला जो क्या करता है, तो आपकी बैक बोन होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, फ्लैट होती है एक तरीके से। इसके अंदर शाफ्ट का पोर्शन भी रहता है जहाँ से मसल्स वगैरह भी ज्वाइन करती हैं। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे इररेगुलर बोन, जो कि ना ही सॉफ्ट बोन थी और ना ही आपकी लॉन्ग बोन की कैटेगरी में थी, एक कोई शेप साइज डिफाइन नहीं हो पा रहा था इसका। इररेगुलर बोन में क्या है, इररेगुलर बोन जो है आपका कोई डिफाइंड बोन नहीं था, इसके अंदर अलग दो तीन तरीके की शेप दिखाई दे रही थी, जैसे अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है, ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम्स है और मैंडिवल है। मैंडिवल मतलब आपका जो जॉ होता है, जबड़ा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो बोन जो है ये इररेगुलर बोन की कैटेगरी में आती है। स्ट्रॉन्ग बोन होती है, शेप साइज इसका हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो वर्टिब्री कॉलम्स हैं वो अलग अलग शेप साइज की होती हैं। सैक्रम की अलग होती है, सैक्रल की अलग होगी, कॉकेक्स की अलग होगी, लुम्बर की अलग होगी, थोरेसिक की अलग होगी, सर्वाइकल की अलग होगी, तो कोई शेप साइज नहीं है। लेकिन हम इसको एक कैटेगरी दे देते हैं इररेगुलर, जो कि कोई रेगुलर शेप साइज में नहीं आती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो था वो सिसेमोइड बोन था, जो बहुत इंपॉर्टेंट बोन हो जाता है फॉर द मूवमेंट, जिसको हम पटेला बोन से भी डेडिकेटेड करते हैं। सिसेमोइड बोन यानी आपका जो घुटना, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में कि जो पटेला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बोन है आपकी मूवमेंट को हडल करने के लिए, रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम खड़े होते हैं, तो हमारा पटेला जो है वो क्या करता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है कि हमारा जो पैर है वो बिल्कुल सीधा रह सके, आगे की तरफ हमारा बेंड ना हो जाए। अब उसके बाद आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बोन, जो कि आज की क्लास शुरू करनी है। तो जो अभी तक पढ़ाया है उसमें से उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सवाल का जवाब दे पाओगे। डिफाइन बोन, डेफिनेशन बतानी है ना? हाँ जी, डेफिनेशन बतानी है बोन की, बताइए। जो हमारे एनाटॉमी सिस्टम जो बताया, उसमें जो हमारा वो होता है पूरे शरीर का, उसमें बताया। थोड़ा रिवीजन की और ज़रूरत है, रिवीजन करेंगे। एक मैं आपको नोट्स और दूंगा जिसमें से आप कुछ डेफिनेशंस और रीड कर पाओगे, और एक बुक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, रॉल्सन्स की, वो आप ले सकते हो पढ़ने के लिए। सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू भेज रखी है, आप चाहें तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ बोन, हाँ जी पढ़ना शुरू कीजिए, सामने आपको पाई चार्ट दिख रहा होगा, रीड कीजिए इसको। एक्सट्रा सेलुलर मैटर, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स,
ऑस्टियो टिश्यूज, कॉलिजन फीबर्स, इनोरेगनिक मैट्रिक्स, बोन मिनरल, कैल्शियम, फॉस्फेट। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बोलते जाए। कैल्सुर कैल्यूलर कॉम्पोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट, ऑस्टिबलस, ऑस्टी कैल्सेस्ट, ऑस्टी केटेस्ट, कैसे ऑस्टी केटर। कंपोजिशन ऑफ बोन, एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर और सेलुलर कंपोनेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है। कंपोजिशन ऑफ बोन क्या है? दो चीज से बना हुआ है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर मतलब जो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर, यानी सेल्स को छोड़ के, और सेलुलर कंपोनेंट यानी जो सेल्स के साथ में कंपोनेंट रहते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर जो है उसमें दो पार्ट आता है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स और इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कोलिजन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। और इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स क्या है आपका? वो है कैल्शियम और फॉस्फेट। कैसे कैल्शियम फॉस्फेट है? तो जो हमारा बोन मिनरल्स है वो मेन क्या है? कैल्शियम और फॉस्फेट का ही होता है। और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में क्या है आपका? ऑसिटोइड टिश्यूज हैं, यानी जो अलग अलग टिश्यूज जो ज्वाइंट करते हैं किसके साथ? बोन्स के साथ ज्वाइन करते हैं। तो वो सारा आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर के अंदर में आता है। दो पार्ट हो गया, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स और इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स। ऑर्गेनिक मैट्रिक का मतलब हो गया कोलिजन फाइबर्स और इनऑर्गेनिक मैट्रिक का मतलब हो गया कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर है इतना? फिर आ जाते हैं हमारा सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट में क्या है? तो हमारे तीन पार्ट हैं। तो तीन पार्ट है, कौन सा है? ऑस्टियो ब्लास्ट, ऑस्टियो साइट और ऑस्टियो क्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियो ब्लास्ट क्या है आपका? एक सेलुलर कंपोनेंट है। ऑस्टियो क्लास्ट एक अगर सेलुलर कंपोनेंट है। और ऑस्टियो साइट, ये तीन फेजेज हैं। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल के बारे में जब हम पढ़ेंगे, हिमेटोपोइसिस के बारे में जब हम पढ़ेंगे कि सेल कैसे ग्रोथ करता है, तो वो तीन सेलुलर कंपोनेंट के पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं ऑस्टियो ब्लास्ट पहला कंडीशन होती है, फिर ऑस्टियो क्लास्ट दूसरी कंडीशन होती है, फिर ऑस्टियो साइट्स तीसरी कंडीशन होती है, जहां पे सेल जो है अलग अलग लेवल में ग्रो करता हुआ आपको नजर आता है। तो ये था आपका कॉम्पोजिशन ऑफ बोन्स, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड था, एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर और सेलुलर मैटर। एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर के अंदर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड था, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स और इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को हम कोलिजन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स हमारा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और उसके बाद सेलुलर कंपोनेंट था। सेलुलर कंपोनेंट में तीन पार्ट थे, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। अब आ जाते हैं आगे डेवलपमेंट ऑफ बोन, किस तरीके से जो बोन है वो डेवलप करती है। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ बोन के अंदर कि हमारी जो बोन्स है वो कैसे डेवलप करती है। तो सबसे पहला आता है ऑसिफिकेशन और ऑस्टियोजिनोसिस। ये डेवलपमेंट ऑफ बोन के अंडर में आता है, जो कि क्या है? प्रोसेस है किसका? बोन फॉर्मेशन का, बाय ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब वो कंडीशन जब आपका कैल्शियम मिनरल्स यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जब आपस में मिलना शुरू होते हैं और वो बोन की फॉर्मेशन को डेवलप करना शुरू करते हैं, तो वो आपका ऑसियोफिकेशन या ऑस्टियोजिनेसिस कहलाता है। फिर आ जाता है ऑसिफिकेशन के अंदर में क्या है आपका प्रोसेस जो है क्लासिफिकेशन का, तो वो क्या क्लासिफाई करता है? जब आपकी बोन जो है बढ़ रही है, अकर हो रही है, जैसे क्या है भाई, एक बोन है, हाथ की बोन बनी कोई सी, या फ्यूमर बनी, या मान लो टीबिया बनी, फीबिया बनी, रेडियस बनी, अल्ना बनी। तो ये एक बार बन गई, एक छोटा बच्चा होता है इन्फेंट एक साल के आसपास का या एक साल से कम, वो धीरे 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 बढ़ता जाता है, यानी उसकी बोन भी बढ़ती है, मसल्स भी बढ़ते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स भी बनते हैं। तो वो क्या है? वो डेवलपमेंट ऑफ बोन का जो पार्ट है ऑसिफिकेशन, उसमें देखने को बहुत ही ज़्यादा फास्ट नज़र आती है। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ बोन में ही सेकेंड पार्ट कंटिन्यू कीजिए, ऑसिफिकेशन रीड आउट। ऑसिफिकेशन बिगेंस एप्रो सिक्स वीक। अब हम जानेंगे कि ऑसिफिकेशन जो है वो कब होता है। तो ऑसिफिकेशन बिगन अप्रॉक्सीमेटली सिक्स वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एन एम्ब्रियो। ऑसिफिकेशन क्या है कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो कैसे होगा, एक आपका स्पर्म है, एक एग है, वो आपस में मीट करेगा, मीट करने के बाद वो एक एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो क्या होगा?
सिक्स वीक का जब वो हो जाएगा तो उस टाइम पे आपका ऑसिफिकेशन यानी बोन्स बनना शुरू होगा, बोन ग्रोथ कंटिन्यूस अंटिल अप्रोक्सीमेटली एज ऑफ 25 यानी 25 साल तक, ठीक है। एम्ब्रियो यानी 6 हफ्ता जब बच्चा माँ की कोख में होता है, 6 हफ्ते का होता है, उस टाइम से आपका ऑसिफिकेशन शुरू हो जाता है और अप्रोक्सीमेटली 25 साल की उम्र तक आपका जो ऑसिफिकेशन है वो होता है। यानी कहते हैं ना कि आपकी हाइट बढ़नी होगी, आपका बोन वेट बढ़ना होगा, आपका बोन स्ट्रेंथिंग होना होगा, तो 25 साल 18 20 25 साल तक हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली देखा गया है कि ऑसिफिकेशन प्रोसेस जो है वो 25 साल तक होता है, उसके बाद वो प्रोसेस जो है वो क्या होता है, बहुत ही कम लेवल पे चलता है, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस होने लगता है, ठीक है। बोन कैन ग्रो इन थिकनेस थ्रू आउट लाइफ यानी वो मोटाई जो है बोन की वो तो हमेशा होती रहेगी, लेकिन जो लंबाई है बोन की, जैसे कहते हैं ना फ्यूमर है, टीबिया फीबिया है, ये सब जो बोन है इनकी जो लेंथ होती है वो तो 25 साल तक ही रहेगी, लेकिन थिकनेस उसकी मोटाई जो होगी वो आपकी 25 साल के बाद यानी होल लाइफ भी चलती रहेगी। बट आफ्टर 25 ऑसिफिकेशन फंक्शन प्राइमरली इन बोन रिमोडिंग और रिपेयर, उसके बाद क्या होता है 25 साल के बाद आपकी बोन बढ़ना कम हो जाती है। देखो थिकनेस बढ़ रही है, मोटाई बोन की बढ़ सकती है, वो थ्रू आउट लाइफ रहेगी यानी जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक वो होती रहेगी, लेकिन वहीं जो ग्रोथ है लॉन्ग ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं, बढ़ना वाला जिसे ग्रोथ बोलते हैं, वो 25 साल के बाद आपकी रुक चुकी है। उसके बाद क्या होगा, जैसे चोट लग गई तो रिपेयर, कभी कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर है, कभी कोई मेजर फ्रैक्चर है, तो वो रिपेयरिंग का काम तो चलता रहेगा 25 साल के बाद, लेकिन ग्रोथ जो है वो आपकी रुक जाएगी। ये दो पॉइंट क्लियर हो गया। लॉन्ग बोन कंटिन्यू टू लेंथन यानी जब जो बोन्स है, जो लॉन्ग बोन है वो एक लेंथ जो है उसकी 25 साल तक बढ़ रही है, उसके बाद उसका रिपेयरमेंट का काम चल रहा है, ठीक है। जो बोन टिश्यूज हैं, एपिथेलियल पार्ट हैं, वो रिपेयर होते हैं, थिकनेस बढ़ती है, स्ट्रेंथिंग आती है उसके अंदर, लेकिन जो ग्रोथ है, बढ़ने वाली ग्रोथ है, वो नहीं होती है। अब यहाँ पिक्चर के हेल्प से हम समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारी बोन है वो ग्रो करती है, इमैच्योर बोन कैसी होती है, ग्रोइंग बोन कैसी होती है और मैच्योर बोन कैसी होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ग्रोथ प्लांट जो है वो लगाया हुआ है किस तरीके से। सबसे पहला है डायफेजिस, जो कि क्या दिखाता है, आपका ये बीच का पार्ट दिखा रहा है, ये आपका इमैच्योर बोन है यानी जब छोटा बच्चा होता है, जो जिसकी बोन बन रही होती है जस्ट, ये वो वाला फेज है। उसके बाद आता है ग्रोइंग फेज, जो कि इस तरीके से आप देख रहे होगे डायफेजिस जिसमें दिखाया हुआ है बीच का पार्ट का, इपीफेजिस नीचे का पार्ट और इपीफेजिस ऊपर का पार्ट दिखा रखा है, ये ग्रोइंग बोन का पार्ट है। यहां आप देख रहे होगे बीच में बोन मैरो का पार्ट भी आता है, यहाँ स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर डॉटेड दिख रहा होगा। ये आपका मैच्योर फेज है जिसमें डाइफेज और एपीफेजेस दोनों तरफ मेंशन करके दिखा रखा है, यहाँ आपका मैच्योर बोन का पार्ट, ये इस तरीके से पूरी जो मैच्योर बोन है वो दिखाई देती है, क्लियर है। अब आ जाते हैं लॉन्ग बोन, इंडिविजुअली हम लोग समझेंगे कि लॉन्ग बोन क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है और कैसे पार्ट में डिवाइडेड रहता है। जी कंटिन्यू करें, रीड आउट। अब लॉन्ग बोन के बारे में समझते हैं कि लॉन्ग बोन क्या होता है। ईच लॉन्ग बोन हैज elongated shaft or diaphyses and two expanded ends जिसको हम epiphyses बोलते हैं। long bone क्या होता है, एक long bone है, elongated long bone होता है जिसके अंदर क्या होती है, shaft होता है, shaft मतलब बीच का part जो bone के साथ क्या करता है, attach होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, diaphyses भी बोलते हैं, ठीक है। और two extended end होता है जिसको हम epiphyses बोलते हैं। क्या होते हैं ये, स्मूथ होते हैं यानी सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल चिकने होते हैं। और दूसरा क्या होता है, आर्टिकुलर करते हैं, आर्टिकुलर मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ने का भी काम करते हैं। क्या काम करते हैं, दो एक्सटेंडेड एंड जो हैं वो जुड़ने का काम करते हैं दूसरे बोन से, और बीच का जो डायफेजिस है जिसको हम सॉफ्ट भी बोलते हैं वो काम करता है जुड़ने का किसके साथ, मसल्स के साथ जुड़ने का। फिर आ जाते हैं द सॉफ्टली टिपिकली हैज थ्री सरफेस, जो आपका सॉफ्ट होता है उसका तीन सरफेस होता है, कौन कौन सा होता है, सेपरेटेड बाय थ्री बॉर्डर्स यानी तीन बॉर्डर के साथ वो सेपरेट करता है, सेंट्रल मेडुलर कैविटी जो कि बीच की होती है, फिर होता है न्यूट्रेंट फॉर्मिन यानी जो बीच का न्यूट्रिशन फॉर्म करता है, फिर होता है प्रोस्ट्रियम डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोथ एंड यानी जो ग्रोथ एंड है उससे थोड़ा सा अलग। डायग्राम के हेल्प से आप समझ जाओगे कि ये क्या तीन सरफेस की बात की जा रही है, अभी नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम है। फिर है आपका लिम्ब बोन्स आर ऑफ थ्री लॉन्ग बोन्स
यानी लिम्ब्स जो होती हैं वो कौन कौन सी टिपिकल लॉन्ग बोन है वो भी आप देखोगे। लिम्ब्स क्या है, बेसिकली आपका टिपिकली लॉन्ग बोन है, बड़ी बोनों को कहा जाता है, जैसे कि आपका ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, टीबिया है, फीबिया है, फ्यूमर है, ये सारी लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे आप बोन का डायग्राम देखोगे तो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है ये आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज बोला जाता है इस पूरे पार्ट को जो यहाँ से डॉटेड तक पार्ट दिख रहा है, ये प्रॉक्सिमल एपिफिसिस होता है। प्रॉक्सिमल एपिफिसिस कहा जाता है किसको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो ये तीन पार्ट आप देख रहे हो ये यहाँ पे, तो ये तीन है, क्या है आपका स्पंजी बोन का पार्ट है, यहाँ पे हल्का सा स्पंज टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एपिफिजियल लाइंस देखने को मिलेगी यहाँ पे इस तरीके से, ये जो लाइन है बीच में गैप आ रहा है वो। उसके बाद आपका रेड बोन मैरो, ये जो रेड डॉटेड डॉटेड जो पार्ट है जो कि ब्लड सेल्स बनाता है रेड और येलो बोन मैरो का, तो ये वहाँ पे वो पार्ट आपको दिख रहा है। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफेजेस, ठीक है। प्रॉक्सिमल एपिफेजेस ऊपर वाला पार्ट हो गया, फिर आ गया मेटाफेजेस, उसके बाद फिर आ जाता है मिड पार्ट का जिसको हम डायफेजेस बोलते हैं, जो कि आपका यहाँ नीचे यहाँ से लेके यहाँ पूरा मेटाफेजेस तक है। इसके अंदर क्या क्या पार्ट आता है आपका, तो एंडोस्टीलियम आता है जो कि हार्डेस्ट पार्ट होता है, फिर आता है कॉम्पोनेंट ऑफ बोन जो कि आपका क्या था, दो पार्ट था ना, कैल्शियम और फॉस्फोरस का इंपॉर्टेंट जो पार्ट था। उसके बाद आ जाता है आपका मेड्यूरी कैविटी जो कि ये आपका हल्का सा येलो पार्ट से ऊपर जो दिख रहा होगा, फिर येलो बोन मैरो, ये आपका येलो बोन मैरो है, यहाँ पे आ गया आपका रेड बोन मैरो और यहाँ आ गया आपका येलो बोन मैरो, और फिर न्यूट्रेंट जो आर्टरीज हैं जहाँ पे आके इसको जो सप्लाई देती हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी जो रेड कलर से यहाँ पे मार्क्ड है। तो हम समझ रहे थे लॉन्ग बोन का जो इमेज है उसके बारे में हम देख रहे थे, उसमें आपको न्यूट्रल आर्टरीज देखने को मिल रही होगी, न्यूट्रिशियल जो आर्टरीज होती हैं रेड कलर की वो, और उसी में आपकी पेरिस्ट्रियम जो एक लेयर होती है पतली सी जो कि बोन को कवर करके रखती है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराती है, वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है मेटाफेजेस जो कि लोअर बोन का, लॉन्ग बोन के लोअर का पार्ट है। उसके बाद आता है डाई एपिफेजेस जो कि हमारा बिल्कुल नीचे का होता है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज का मतलब होता है कि वो कार्टिलेज जो दूसरे बोन के साथ जुड़ने में हेल्प करता है, ठीक है, उसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराता है, उसको एक शेप प्रोवाइड कराता है जिससे वो मूव कर सके, एक दूसरे के साथ अटैच होकर करके मूवेबल ज्वाइंट बना सके। उसके बाद आ जाता है आपका स्केलेटल सिस्टम के पार्ट जो कि डिवाइडेड है आपका क्रैनियम, फेशियल बोन, थोरेसिक बोन, वर्टिब्रल कॉलम और आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अब हम समझेंगे स्केलेटल सिस्टम में क्रैनियम क्या होता है, फेशियल बोन क्या होती है, थोरेसिक क्या होती है, फिर आपके वर्टिब्रल कॉलम्स क्या होते हैं, फिर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाता है हम लोग क्रैनियम के पास। तो क्रैनियम में क्या होता है, आठ बोन से मिलके आपकी क्रैनियम की जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है। आठ बोन कौन सा है, जो हमारा सर है वहां पे आठ बोन इस तरीके से आर्टिकुलेट हुई है कि वो आपका एक हेड बनाती है और उस हेड के अंदर आपका ब्रेन जो है वो रहता है। तो आठ बोन कौन कौन सी है, तो फ्रंट की एक बोन है जिसे हम फ्रंटल बोन कहते हैं, दो बोन पैराइटल है जिसको हम साइड की बोन भी कहते हैं, आपके इमेज में दिख रहा होगा फ्रंटल बोन येलो कलर से मार्क्ड है, पैराइटल बोन ब्लू कलर से मार्क है, फिर दो टेम्पोरल बोन है जो कि यहाँ पे ऑरेंज कलर से मार्क किया हुआ है, एक ऑसिपिटल बोन है जो कि ग्रीन कलर से यहाँ पे मार्क किया हुआ है, फिर वन सिसेमोइड बोन है जो कि आपका यहाँ पे पिंक कलर से मार्क किया हुआ है, फिर एक इपिथियोइड बोन है जो कि आपका अंदर पिंक डार्क पर्पल कलर से मार्क किया हुआ है। तो ये टोटल जो है आठ बोन है जो कि क्या बनाता है, आपका स्कल का ऊपर का पार्ट, हेड वाला पार्ट बनाता है जो कि क्या करता है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है और एक स्पेसिफिक स्पेस बना के रखता है जिससे आपका ब्रेन जो है वो प्रिजर्व रहे, सही तरीके से रहे, सेफ रहे। फिर आ जाते हैं आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रैनियम में। स्ट्रक्चर ऑफ क्रैनियम जो है वो तीन पार्ट में, यानी ऊपर का जो खाली हमारा हेड है जो कि कटोरे की तरह दिखाई देता है, ठीक है, वो क्या है, तो उसमें तीन पार्ट में ये आपका डिवाइड हो रहा है, या लाइनिंग आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है, सूचर्स कहते हैं इस तीनों लाइनों को। ये सूचर्स क्या होते हैं, ये सूचर बेसिकली इन मूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं इनको, ठीक है। सूचर्स क्या होते हैं आपके, इन मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं जो कि क्या है, कोरोनल सूचर है। कोरोनल सूचर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, कोरोनल सूचर है जो फ्रंट में रहता है, ठीक है। सेगाइटल सूचर है जो कि आपका ये बीच में रहता है, और फिर आपका लेम्बॉइड सूचर है जो कि आपका बैक में रहता है। ये बेसिकली क्या है, ये जो आप स्कल देख रहे हो जो आपका क्या है,
पराइटल है, फ्रंटल है, टेम्पोरल है, इसमें जो जोड़ने का काम करता है, यानी बिना मूवेबल नॉन मूवेबल जॉइंट हो, मूव ना कर सके, तो ये सूचर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक नॉन मूवेबल जॉइंट ये बना सकेगा। अब आ जाते हैं आगे फर्दर बोन ऑफ द फेस के बारे में। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब आ जाते हैं बोन ऑफ द फेस यानी फेशियल बोन, जो कि क्या है, 14 इन नंबर होती है। इसमें एक अकेली ऐसी बोन है जो कि हमारी मेंडेबल बोन होती है, जिसको हम मूवेबल बोन के नाम से भी जानते हैं। तो फेस बोन में क्या है, 14 बोन्स होती है, यानी 14 हड्डियों से मिलके हमारा फेस बनता है, जिसमें क्या है, दो मैक्सिला, मैक्सिला मतलब ये येलो कलर से मार्क है आपका, इसको हम मैक्सिला कहते हैं, जिसको हम अपर जॉ के नाम से भी जानते हैं। वन मैंडिबल, एक ये मैंडिबल, ये आपका ब्लू पर्पल कलर का दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं मैंडिबल। उसके बाद आ गया है टू पैलेट, पैलेट मतलब जो आपका तलवा बनाता है, ठीक है, ये यहां पे मार्क कर रखा है आपका रेड कलर से यहां पे। इसमें पैलेट जो है वो शो नहीं हो रहा होगा, बेसिकली इसके येलो वाले पार्ट के अंदर ही आता है, जिसे हम आम भाषा में तलवे के नाम से बताते हैं। मुंह का जो तलवा होता है, ऊपर वाला जो पार्ट है, जिससे हमारा जो नेजल कैविटी और माउथ है वो दोनों सेपरेट रहता है। फिर एक जाइगोमेट्रिक बोन, जो कि आपकी यहाँ पे मार्क है ग्रीन कलर से, यहाँ पे देख रहे होगे आप, टू जाइगोमेट्रिक बोन है। उसके बाद टू लैक्रिमल बोन, दो लैक्रिमल बोन आपको यहाँ दिख रही होगी, मार्क कर रखी है आपके लाइट ग्रीन कलर से यहाँ पे। उसके बाद है नेजल बोन, जो कि दो नेजल बोन है, यहाँ पे आपको स्किन कलर से मार्क करा हुआ नजर आ रहा होगा नेजल बोन। उसके बाद है दो इन्फीरियर नोच, इन्फीरियर नोच यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नीचे अंदर की साइड रहता है ये, ठीक है, यहीं इसी के अंदर की साइड में रहता है। और वन वोमर, वोमर जो है वो आपका ये रहा बीच का जो जो बोन है, आपकी नाक की जो हड्डी है वो डिवाइड करके रखता है उसको, दोनों पार्ट को। तो ये है आपका फेशियल बोन, यानी 14 बोन से मिलके आपका फेस बोन बना रहता है। और पैलेट का क्या काम होता है, डिवाइड करके रखना नेजल कैविटी और आपके माउथ की जो कैविटी, ओरल कैविटी है, उसको सेपरेट करके रखने में हेल्प करता है। मैंडिबल अकेला एक मूवेबल जॉइंट है, मैक्सिला अपर जॉ कहा जाता है, वोमर आपके कहाँ रहता है, नाक के पास रहती है, नेजल बोन क्या है, आपकी नाक की हड्डियों को कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि अभी तक इतना पार्ट और समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं बोन ऑफ थोरैक्स। बोन ऑफ थोरैक्स की बात करते हैं, तो स्केलेटल में थोरैक्स जो है मेन आपका तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहले आता है आपका स्टर्नम, दूसरा होता है रिब्स, और तीसरा होता है थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। द स्केलेटल ऑफ थोरेक्स इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग बोन्स, यानी ये तीन पार्ट की जो बोन है आपको वो देखने को मिल रही होगी यहाँ पे। स्टर्नम हो गया, फ्रंट वाली बोन को हम स्टर्नम कहते हैं, जिसे फ्रंट, और कौन सी थी इसकी, इसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। फिर है आपका रिब्स, जो कि 12 पेयर होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये रिब्स हैं, जिसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ट्रू फॉल्स और फ्लोटिंग, ये तीन पार्ट का आपका रिब्स डिवाइड होता है। फिर है आपका थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा मतलब जो यहाँ पे थोरेक्स के साथ ज्वाइंट हो रहा होता है, जो कि 12 पेयर होता है, जैसे आपकी 12 रिब्स हैं वैसे ही आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होती हैं, जो कि किसके साथ, रिब्स के साथ ज्वाइंट रहती हैं। रिब्स क्या है, तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रू फॉल्स और फ्लोटिंग। बोन ऑफ थोरेक्स, थोरेक्स का मतलब होता है आपका अपर पार्ट, यानी आपके जो चेस्ट है वहां से आप समझना शुरू कीजिए, तो बोन ऑफ थोरेक्स उसको कहा जाता है। थोरेक्स का मतलब होता है थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेक्सिक मतलब जो आपका क्या, छाती का पूरा पार्ट आगे से लेके पीछे तक, जो आपका फ्रंट का पार्ट है, फीमेल में ब्रेस्ट एरिया, मेल में चेस्ट एरिया, ठीक है। तो आपके फ्रंट में क्या है, सबसे पहला आ गया स्टर्नम, जो कि फ्रंट की बोन थी। फ्रंट की कौन सी बोन थी, तो स्टर्नम, आपने अगर स्टार्टिंग में ध्यान दिया हो स्केलेटल सिस्टम में, हमने जब हम टाइप ऑफ बोन्स पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर में आपका जो फ्लैट बोन है उसकी कैटेगरी में आ रहा था स्टर्नम, ठीक है। वो कहां पे रहता है, तो वो रहता है आपका पहला फ्रंटल बोन, जो कि थोरेसिक पार्ट में आता है। क्लियर हो गया, थोरेसिक। अब हम यहां पे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बॉडी को, ठीक है, जैसे लिम्स किया वैसे अब थोरेसिक पार्ट कर रहे हैं, क्रैनियम किया था, स्कल किया था, फेशियल बोन किया था, तो अभी थोरेसिक पार्ट चल रहा है। तो स्टर्नम जो हो गया वो आपका पहला फ्रंटल बोन हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है 12 पेयर ऑफ रिब्स। रिब्स क्या है, एक केज लाइक, एक पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपका स्टर्नम के साथ, यहां अगर आप इमेज पे ध्यान दोगे तो यहां देखोगे आपका जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम है जहां पे अभी मेरा कर्जर घूम रहा है, वीडियो में आपको दिख जाएगा, और उसके साथ में जो ज्वाइंट हो रहा है वो वाला पार्ट जो है वो रिब्स है,
जो अलग अलग छोटे छोटे उसमें ब्लू और फिर क्रीम कलर से आपके जो ज्वाइंट हो रहे हैं, ठीक है। रिब्स जो होते हैं वो आपके 12 पेयर के रिब्स होते हैं, 12 मतलब टोटल 24 रिब्स होते हैं, जिसमें से जो 10 रिब्स हैं वो तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टर्नम के साथ जुड़ जाते हैं आगे से, और पीछे से वही चीज जुड़ते हैं आपकी वर्टिब्रल कॉलम से, जो कि बोन किस कैटेगरी में आ रही थी, वर्टिब्रीज। अगर आपको ध्यान हो तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के अंदर हमने पढ़ा था इररेगुलर बोन, उसके अंदर वर्टिब्री कॉलम्स थे, वो वर्टिब्री यही चीज है। थोरेसिक वर्टिब्री जो है वो अपर पार्ट है, जहां पे मेल में चेस्ट और फीमेल में जो ब्रेस्ट एरिया होता है बैक से, हम कहते हैं ना कमर, हमारी कमर हो गई लुम्बर, लुम्बर वर्टिब्री, और उसके ऊपर जो आ जाता है वो है हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा। तो थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है वो 12 होती हैं, वो किसके साथ ज्वाइंट करती हैं, तो वो आपके रिब्स के साथ ज्वाइंट करती हैं। उम्मीद करता हूं कि अब थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। ओके सर, अब आ जाते हैं उसके बाद बोन ऑफ थोरेसिक के बाद, अब आ जाते हैं इंडिविजुअल बोन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्या है आपका स्टर्नम है। स्टर्नम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट बोन। इट इज अ फ्लैट बोन विच इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। क्या है? फ्लैट बोन की कैटेगरी में आता है, पढ़ा था हमने इससे पहले, स्कैपुला था और स्टर्नम था, फ्लैट बोन की कैटेगरी में आ रहा था। तीन पार्ट में ये डिवाइडेड है। कौन कौन सा तीन पार्ट है अब वो समझते हैं। तो तीन पार्ट में जो है वो सबसे पहला है मैन्यूब्रियम, मैन्यूब्रियम का पार्ट है सबसे पहला। उसके बाद ये आपका मैनिब्रम जो अपर आपका दिख रहा होगा, इमेज में भी देख पा रहे होगे, तीन पार्ट में ये डिवाइड करके बना ही रखा है इसको। सबसे पहला है आपका मैन्यूब्रम, उसके बाद है बॉडी ऑफ स्टर्नम, फिर है आपका एसिफॉइड बोन, यानी जो नीचे जो टेल वाला पार्ट छोटा सा आपको दिख रहा होगा वो। ये तीन पार्ट में आपका स्टर्नम जो है ज्वाइंट होता है। अब इसके अंदर जो ट्रू रिब्स होती हैं, यानी पहली पांच रिब्स जो हैं वो डायरेक्टली आके स्टर्नम में ज्वाइंट हो जाती हैं। जो फॉल्स रिब्स हैं, बाकी पांच रिब्स हैं, वो इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू जाके स्टर्नम में ज्वाइंट होती है। और जो बची हुई दो पेयर ऑफ रिब्स रह गई, यानी 11th और 12th रिब्स का जो पार्ट रह गया, वो जो है फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है उसको, ठीक है, जो कि क्या होता है किसी भी कंडीशन में आपके स्टर्नम के साथ ज्वाइंट नहीं होती हैं। तो स्टर्नम वाला तीन पार्ट में डिवाइडेड है, यहां पे आपको दिख गया होगा, फ्लैट बोन की कैटेगरी में है। मैन्यूब्रियम ऊपर वाला पार्ट है, बॉडी ऑफ स्टर्नम दूसरा पार्ट है, और फिनोइड बोन तीसरा पार्ट है। उसके बाद आ जाता है रिब्स। स्टर्नम क्लियर हो गया है? यस सर। ठीक है, अब आते हैं रिब्स के ऊपर। तो रिब्स क्या है? आपका अरेंज है कितने पेयर में? 12 पेयर में अरेंज होता है। रिब्स आर अरेंज इन अ 12 पेयर ऑन द बैक साइड। बैक साइड में किसके साथ अटैच होता है? थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ अटैच होता है। 12 पेयर है, थोरेसिक वर्टिब्रीज के साथ अटैच होता है। डिपेंडेंट क्या होता है? अटैचमेंट फ्रंट से जो है वो कितने पार्ट में है? तीन पार्ट में है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। 5-5 का है आपका ट्रू और फॉल्स का, और टू पेयर जो है वो फ्लोटिंग है। ट्रू जो है डायरेक्टली ज्वाइंट करता है स्टर्नम के साथ, फॉल्स जो है वो इनडायरेक्टली ज्वाइन करता है थ्रू कोस्टल कार्टिलेज, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और जो लास्ट की फ्लोटिंग रिब्स है वो किसी भी कंडीशन में ज्वाइंट नहीं करती है स्टर्नम के साथ। तो ये रिब्स का पार्ट है, ये केज की तरह दिखाई देती है रिब्स। आप अगर देखोगे डायग्राम में, तो यहाँ पे आपको डायग्राम में नेक्स्ट इमेज में आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। पहली जो पांच रिब्स हैं वो डायरेक्टली ज्वाइंट है आपकी स्टर्नम से। पीछे ये वर्टिब्री कॉलम हो गए जो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, फ्रंट में आपका स्टर्नम हो गया, साइड में आपके रिब्स हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये तो डायरेक्टली ज्वाइंट है आपका थोरेसिक से स्टर्नम में वर्टिब्री के रिब्स के हेल्प से। और जो स्टर्नम है और रिब्स जो है, बाकी के पांच पेयर जो हैं वो इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू ज्वाइंट है। और फिर लास्ट का दो पेयर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है आपका क्या है, आपका किसी भी तरीके से ज्वाइंट नहीं है, खाली सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रीज के साथ ज्वाइंट हो रखा है। तो ये था आपका रिब्स का पार्ट। अब आ जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स के पास में। तो अब बात करते हैं वर्टिब्री कॉलम्स के बारे में। तो वर्टिब्री कॉलम्स क्या है? मेड अप ऑफ कितने नंबर ऑफ बोन है आपका? अप्रोक्सीमेटली जो है वो 33 नंबर ऑफ बोन होता है। 33 मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये आगे जाके फ्यूज हो जाती है। आप यहाँ डायग्राम में देखोगे तो बेसिकली क्या है, 7 आपका हो गया सर्वाइकल, जो कि क्या होता है हमारे गर्दन नेक को भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है थोरेसिक जो कि 12 होता है, उसके बाद होता है लुम्बर जो कि 5 होती है, फिर होता है सैक्रम और कॉकेक्स। तो सैक्रल जो है वो 5 बोन होती है,
और कॉकाई जो होती हैं वो चार बोन होती हैं, जो कि फ्यूज होके आपस में कितनी हो जाती हैं, एक ही बोन में कन्वर्ट हो जाती है। कोकाई जो है उसको हम बोलते हैं कॉकेक्स, जो कि चार बोन का जॉइंट मिलके एक बनाता है। पहले हमारे में पूछ हुआ करती थी, तो बेसिकली ये टेल बोन कह सकते हो इसको। ये आजकल हमारे सपोर्ट देती है किसको, नीचे से हिप्स को। उसके बाद है सैक्रम, जो है वो आपके जो हिप बोन है उसके फ्रेमवर्क में हेल्प करती है। जो लुम्बर जो है इसको हम कमर की बोन भी बोलते हैं। जो थोरेसिक है, जो अभी मैंने बताया, जो कि आपकी रिब्स और स्टर्नम के साथ में जुड़ी रहती है, वो वाला पार्ट हो गया। और जो क्लेविकल है वो आपका जो हेड है, यानी आपका फेशियल बोन जो है, जो आपका क्रैनियम है, स्कल जिसको बोलते हैं, उसको और बॉडी को सपोर्ट देता है, जॉइंट करके रखता है, हेल्प करता है। तो ये था आपका वर्टिब्रल कॉलन के बारे में। हम कल से कंटिन्यू करेंगे दूसरे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रीज से। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक का इतना लेक्चर समझ में आ गया होगा।